अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भक्तजनों, आज लाइव 24 न्यूज़ इंडिया की टीम आ चुकी है तिनसुकिया के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पुराने पूजा पंडाल में, श्री देवी पोखरी पूजा समिति। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह इनका 81वां साल है और ये बहुत ही शानदार ढंग से उन्होंने इस साल को मनाया है। इस साल में उन्होंने इस पंडाल को मानसरोवर के पर्वत का रूप दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे पंडाल को एक मानसरोवर का रूप दिया गया है, एक मानसरोवर पर्वत का रूप दिया गया है और उसके अंदर माँ देवी की स्थापना की गई है। तो आइए जानते हैं देवी पोखरी कमेटी के मेंबर्स के सहयोग से कि क्या उनका ध्येय रहा, कैसा उनका प्रयास रहा और कितने अपने प्रयास में वो सफल हो रहे हैं इस पूजा को ऑर्गेनाइज करने में, आइए बात करते हैं। तो हमारे साथ श्री शिवजी दुबे जी, इस पूजा के मुख्य कार्यकर्ता उपलब्ध हैं, प्रस्तुत हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूजा के संबंध में। सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दुर्गोत्सव की लाइव 24 की तरफ से। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज इतने भव्य ढंग से इस पूजा को प्रस्तुत कर? सबसे पहले आज मैं सभी असम वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ दुर्गा उत्सव के उपलक्ष्य में। और ये जो देवी पोखरी स्थान है, ये माँ का स्थान है। यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है, हनुमान जी के दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ माँ की असीम कृपा है। इसलिए प्रत्येक वर्ष कुछ नयापन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये माँ की कृपा होती है जब पूजा यहाँ का भव्य हो जाता है। और हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, केवल माँ के सेवा में लगे रहते हैं। और आज 81 ईयर्स हो गया, 81वां वर्ष हो रहा है पूजा का। बहुत धूमधाम से पूजा बनाया जाता है, जनता का सहयोग प्राप्त होता है। आप जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ है, जो भीड़ को नियंत्रित करने में भी काफ़ी परेशानियाँ होती है, लेकिन माँ का दर्शन करने के लिए यहाँ पूरे असम से डिब्रूगढ़, जोरहाट, शिवसागर तक के लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। इस साल इस पूजा का थीम क्या रहा है और इस थीम को आप लोगों ने साकार करने में कितनी सफलता पाई है? ऐसा है जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर को एक साथ जोड़ के एक हम लोग ने ये देने का प्रयास किया है और माँ की कृपा से अब कितना सफल है कि असफल है ये तो दर्शक मंडली इसको बता सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। आप लोगों की पूजा की मेहनत तो आपको दिख रही है, क्योंकि हमें पता चला है कि आपको GTPL VNS की तरफ से और इमीडिया की तरफ से भी अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट पूजा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सहयोग दिया। और हम अब चलते हैं पंडाल की तरफ, देखते हैं कि माँ की प्रतिमा और दर्शकों का जो हुजूम है वो कैसा लग रहा है, दर्शकों का जो उत्साह है वो कैसा दिखने को लग रहा है, क्योंकि मानसरोवर और कैलाश पर्वत दोनों को ही दर्शाया गया है यहाँ पे। दोनों की ही रूप की एक विस्तृत और एक व्यापक चर्चा की गई है। आप देख सकते हैं कि जब हम लोग पंडाल में इन कर रहे हैं तो वाटिका, जो वाटिका है उसका दिखाया गया है कि हनुमान जी ऊपर से पेड़ से नीचे उतर रहे हैं और माँ सीता को अंगूठी दे रहे हैं। तो रामायण की एक छोटी सी वाटिका की उपलब्धि दिखाई गई है। साथ ही साथ कैलाश पर्वत पे भगवान शिव, वानर, साधु महात्मा, वृक्ष, इसको बहुत अच्छे ढंग से, एक बहुत ही सुंदर ढंग से उकेरा गया है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। और दर्शकों का जो हुजूम दिख रहा है, जो दर्शकों का यहाँ पर माँ के दरबार में जो दर्शक आए हुए हैं उसका हुजूम देख के एक अत्यंत ही अलौकिक और अद्भुत दृश्य लग रहा है। पंडाल के अंदर चलते हैं और पंडाल के अंदर जो दिया गया है पंडाल का रूप वो बहुत ही भव्य दिया गया है। बादल जो ऊपर के बैकग्राउंड है उसको आसमान का कलर दिया गया है। और इस बीच हम देख सकते हैं कि हम दर्शकों के साथ चल रहे हैं भीड़ में माता की जयकारा लगाते हुए। बोलो बोलो दुर्गा मैया की।
तो जयकारा लगाते हुए हम सभी चल रहे हैं माँ के दरबार में, और अंदर आके हम जानेंगे दर्शकों से, उनसे राय जानेंगे कि पूजा की क्या है राय। तो हम अब आ गए हैं गर्भगृह में और यहाँ पे माँ की जो प्रतिमा है वो पहाड़ पे लगाई गई है, पहाड़ों वाली मैया की यहाँ याद आती है, और बहुत ही सुंदर ढंग से पूरे प्रतिमा को यहाँ पे सजाया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे प्रतिमा को लगाया गया है। तो आइए जानते हैं दर्शकों से भी जानते हैं कि क्या राय है उनका पूजा को लेकर, और वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस पूजा को लेकर। तो हम आ चुके हैं गर्भगृह में माँ की प्रतिमा के सामने, और आइए जानते हैं दर्शकों से कि कैसी लग रही है उनको यहाँ की पूजा और किस तरह का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक्सक्यूज मी, कैसा लग रहा है पूजा आपको यहाँ पे? ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, नया डिजाइन सा बनाया गया है, जिनसे मैं पहली बार आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हम माकुम टेगा बने। माकुम से आई आप, तिनसुकिया पहली बार घूमे हैं पूजा? हाँ। और कैसा लगा यहाँ पे, बाहर की साज सज्जा कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छा लग रही है, सबसे पहले यहाँ अच्छा लग रही है। तो हमारी एक भक्तगण है जो माकुम से आई हुई थी और ये पहली बार मतलब आ रही हैं इस पूजा को घूमने के लिए, तो बहुत ही एक अच्छा इन्हें परिवेश यहाँ लगा और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसको इंजॉय कर रही हैं पूजा को ये। और सभी भक्तजन जो बाहर दूर दूर से आए हुए हैं वो यहाँ पे इस पूजा को इंजॉय कर रहे हैं, उस पूजा को देख रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ और एक बार फिर से बाहर से देखेंगे कि कैसी है पूजा की व्यवस्था। यहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी से दिखने को मिल रही है कि पूरे पंडाल को दो भागों में बांट दिया गया है, एक जगह से इन और एक जगह से आउट, जहाँ पे भीड़ होने का चांसेस, भगदड़ होने का चांस बहुत ही कम है, और सारे के सारे सुरक्षाकर्मी जो भी हेल्पर है वो मस्तूद है अपने काम पे, और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे अलग अलग जगह पे स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी यहाँ पे इन्होंने प्रयास किया हुआ है। अलग अलग जगह पे इन्होंने बकेट्स रखे हुए हैं जहाँ पे लोग चाहें तो स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू जितने भी वो गार्बेज है वो वहाँ पे थ्रो कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है पूजा कमेटी का, और बहुत अच्छे रूप ढंग से उन्होंने इसको बनाया है, इसको सजाया है और बहुत ही अच्छा रूप दिया है। एयरपोर्ट जाना है, राइनो टैक्सी है ना? अपनी टैक्सी बुक कराएं 8883311166 पर। एयरपोर्ट जाना है, राइनो टैक्सी है ना? अपनी टैक्सी बुक कराएं 8883311166 पर। की एंड का, इट्स ऑल अबाउट यू की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार मेकओवर की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बंसल होम सॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।